दिल्ली हाई कोर्ट ने एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट वालों मनी लॉन्ड्रिंग केस विच जम्मू कश्मीर दी साबका मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती खिलाफ जारी समना ते रोक लगाउण तो इनकार कर दिता है। जस्टिस डी एन पटेल ते जस्टिस जसमीत सिंह दे बेंच ने कहा कि वह पीडीपी आगू नू कोई राहत नहीं दे रहे हैं। ईडी ने पीडीपी आगू नू समन भेज के 22 मार्च नू कौमी राजधानी विच ले अपने हेडक्वार्टर ते पेश होने लई कहा है। इस नाल ही कोर्ट ने ईडी नू 16 अप्रैल की अगली सुनवाई तो पहला हल्फनामा दाखिल करने लई कहा है कि उस वालों दर्ज केस किना फैसलों ते आधारित ने। बेंच ने मुफ्ती दे वकील नू भी अजिहा ही एक संखेप नोट दाखिल करने लई कहा है। ईडी वालों पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा है कि मुफ्ती ने अजे हुण जिहे अधिकारियों अगे पेश होना सी। ईडी ने इस तो पहला मुफ्ती नू 15 मार्च लई समन भेजा सी। हालांकि जांच एजेंसी ने इस मौके पीडीपी आगू दी निजी पेशी लई जोर नहीं पाया। जम्मू कश्मीर दे साबका मुख्यमंत्री नू हुण 22 मार्च लई समन भेजे गए ने। मुफ्ती वालों पेश सीनियर वकील नित्या रामाकृष्णन ने कोर्ट नू अपील कीती कि ईडी पहला वांग उस दे मुवक्किल ते निजी पेशी लई जोर ना पावे। इस ते बेंच ने कहा है कि असी कोई रोक नहीं ला रहे, असी कोई राहत नहीं दे रहे। मुफ्ती दे वकील ने समना नू रद्द करन दी मंग कीती सी। देश दुनिया की हर खबर ते नज़र रखने दे लई हुण साडा डेली इंटरनेशनल एडिशन पढ़न दे लई लॉग इन करो साडी वैबसाइट ते www.apnapunjabmedia.com ते तेसे दे नाल ही तुसी इत्थे साडा डेली ई पेपर भी पढ़ सकदे हो ते जल्द ही विजिट करो साडी वैबसाइट ते।